यो पाजी, यस, मेरी बात सुनो। यस, क्या आपको पता है? क्या? आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूँ जिससे आप अपना नाम भूल जाओगे। अच्छा? Yes, I'm not joking. तुम्हें दिख रहा है मैं जोक, मेरी आवाज से तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? देखो इस वीडियो का टाइटल क्या है, वीडियो देखने के बाद आप अपना नाम भूल जाओगे। आपको मजाक लग रहा है ये? आपको मजाक लग रहा है? अरे डकार मारने के लिए किसने कहा? मुझे मजाक ही लग रहा है, मुझे लगता नहीं आप ऐसा कुछ होने वाला है। दिमाग ऐसे लाइक नहीं, वेल एक्चुअली पाजी, आज के दिन हम लोग एक ऑप्टिकल इल्यूजन देखने वाले हैं, और अगर ये ऑप्टिकल इल्यूजन हम लोग सही से देखते हैं तो इसमें कहा जा रहा है कि हम लोग सच्ची में अपना नाम भूल जाएंगे। ठीक है, तो मेरा नाम भाई, एक सेकंड, अगर ऐसी बात आ रहा तो एक कॉल करनी छोड़ दे, जिस गिव मी अ ब्रेक। हेलो डॉक्टर साहब, अच्छा एक काम करना, ठीक है, मैं LIC के ऊपर वो करा रहा हूँ अपने दिमाग की इंश्योरेंस, प्लीज कर देना फटाफट से। ठीक है, ठीक है, हाँ वीडियो कंटिन्यू करो, मैं रेडी हूँ भाई दिमाग को चेंज कराने के लिए। वीडियो में आंखों को भ्रमित करने वाले ऐसे ऐसे ऑप्टिकल इल्यूजन देखोगे कि कुछ देर के लिए आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। आपको आपकी देखी हुई चीजों पर यकीन ही नहीं होगा। वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी इल्यूजन दिखाई जाएगी जिसको देखने के बाद आप आसपास की जिस भी चीज को देखोगे वो आपको घूमती हुई दिखाई देगी। चाहे आप किसी भी चीज को देखोगे वो आपको गोल घूमती हुई नजर आएगी। सारे के सारे पाजी तैयार हो? मुझे तो अभी से इंटरेस्ट आ रहा है वीडियो में। आप सब चीजें इधर उधर हो जाएंगी बता रहे हैं, तो अपने को इस सर्किल में देखना है एंड कहीं अलग नहीं देखना है। ठीक है, स्टार्ट, सर्किल में देखो, सिर्फ और सिर्फ सर्किल, और कहीं नहीं देखना है पाजी। जा रहा हूँ मैं इसके अंदर, इसी के अंदर जाओ, अंदर जा रहा हूँ, सर्किल को देखो। सर्किल को देखते रहो भाई, कितना अजीब लग रहा है। अरे कहीं जाया जा रहा हूं मैं भाई, मेरे साथ बहुत अजीब सा लग रहा है भाई। मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है भाई, वो गोली छोटी होती चली जा रही है, अपने को अंदर ले जा रही है। ये कितनी देर तक देखना है अपने को? ओ भाई, अक्षय कुमार है। ओके, ओ बच गया। अभी चारों तरफ घूम के देखो भाई, क्या कुछ गोल गोल दिख रहा है, कुछ चमक रहा जैसे भाई, कितना अजीब लग रहा है। मिल रहा है ना, वो दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ते? अरे हाँ रे, वैसा ही मेरे को। गेट रेडी फॉर सेकेंड इल्यूजन। ठीक है सर, इसमें अपने को ये लाल इसकी तरफ देखना है। अरे मेरी आंखें टेढ़ी हो रही है भाई, मेरी आंखों के साथ ये क्या हो रहा है भाई? मेरे को लग रहा है मैं अंदर से घुसा जा रहा भाई इसमें। भाई सर्कल बड़ा हो रहा है, सर्कल कह रहा है, ये क्यूब बड़ा हो रहा है। देखो भाई ये क्यूब का है, सर्कल का है, मैं दिमाग चेक करा रहा हूं भाई। इसमें तो रेक्टेंगल पेक्टेंगल सब बन रहा है। अरे अब रेक्टेंगल आ गया। ओ भाई गाइस इसी में देख। ओ भाई ये क्या हो रहा है? इसी के अंदर देखते रहना है पाजी, आपको रेड देखना है, सिर्फ रेड देखते रहो, रेड देखते रहो, सिर्फ और सिर्फ रेड को देखते रहो भाई। पबजी खेलने का मन कर रहा है यार, रेड डॉट लग गया यार भाई। तुम पबजी ही खेलते रहो, तुम पबजी ही खेलते रहो। ओ भाई चेंज हो गया भाई, कुछ और ही आ रहा है कुछ। अब अभी मेरे को पता सिर्फ लाल दिख रहा है और कुछ दिख ही नहीं रहा है। अभी आसपास में देखो भाई, पूरा ऑडेसिटी से हिल रहा है भाई, मेरा सब कुछ हिल रहा है, मेरा रूम हिल रहा है, पता आपको ऐसा लग रहा है ऊपर नीचे हो रहा है। मैं आंखें बंद कर रहा हूं, आंखें बंद करके देख, कुछ ना कुछ दिख रहा है, देख आंखें बंद करके देख। ओके, ये एक्चुअली कह रहा है कि इसमें सिर्फ 5% लोग हैं जो इससे बच सकते हैं और सबको ये इल्यूजन दिखते हैं, इल्यूजन दिखाए जाएंगे। तो आप कोई कॉपी और पेन ले लो या फिर कैसे भी करके ये याद रखना कि आपके पॉइंट्स कितने हुए। मान लो आपने कोई इल्यूजन देखा और उसमें आपका दिमाग भ्रमित नहीं हुआ, तो आपको मिलेंगे एक पॉइंट, यानी कि पूरे वीडियो में जितने इल्यूजन में आप नहीं फंसोगे आपके उतने पॉइंट्स होंगे। और वीडियो के बिल्कुल एंड में आपको कॉमेंट करके बताना है अपने पॉइंट्स, जिससे ऑफकोर्स ये पता चलेगा कि आप 95% लोगों में से हो या फिर आपका ब्रेन शार्प है और आप बचे 5% लोगों में से।
आते हो। हम 5% इंटेलिजेंट लोग हैं। को अगर आप सही से करोगे तो आपको आपके आसपास की चीजें छोटी हुई दिखाई देंगी। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जिस भी चीज को आप देख रहे हो वो सिकुड़कर छोटी हो रही है। विश्वास नहीं होता? वेल, ट्राई करके देख लो। आपको आपके स्क्रीन के सेंटर में बने इस डॉट पर 25 सेकंड्स तक लगातार देखना है, बिना पलके झपकाए लगातार 25 सेकंड्स तक ध्यान से बीच में देखना, और उसके बाद जैसे ही मैं ओवर बोलूंगा तो अपने आसपास की किसी भी चीज को देखना। मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने हाथ को देखना, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी हाथ छोटी हो रही है। शुरू हो जाओ पाजी, शुरू हो जाओ। देखना स्टार्ट करो, देखना स्टार्ट करो। बुम 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 बुम, सिर्फ बीच में देखना है, अपना हाथ अपने को छोटा लगेगा। यस, ओह ओवर। चलो जल्दी से आसपास की किसी भी चीज को देखो। अगर हाथ सही को देखो तो आपको भी चीजें कुछ देख, हाथ सच्ची में छोटा लग रहा है, और अगर नहीं दिखी तो आपके एक पॉइंट हुए। इस ऑप्टिकल इल्यूजन को मेरे को तो देखा जाता है। बता दूं कि इस इल्यूजन में लगभग सभी फंसते हैं। आपको ये बताना है कि क्या ये जो ब्लू कलर की लाइंस है ये सीधी लाइंस है या फिर टेढ़ी लाइंस है। ये ब्लू लाइन सीधी जा रही है या ये मेरे को टेढ़ी लग रही है, ध्यान से जरूर देखना। ये टेढ़ी है, ये देखो, ये यहाँ पे टेढ़ा है, ये सबको दिख रहा होगा ये टेढ़ा है। पाजी आपको टेढ़ा नहीं दिख रहा? नीचे वाली ये लाइन, ये दोनों ही बिल्कुल सीधी है। जैसे ही मैं इस फोटो को ब्लर करूंगा टेढ़ी है भाई, आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन सीधी है। ज्यादातर लोगों को ये लाइन पहली नजर में तिरछी दिखती है, क्या आप उन लोगों में है? या आपका एक पॉइंट बढ़ा? स्कोर नोट करते रहना। इस फोटो में भाई मेरे को टेढ़ी दिखी, आपको ये बताना है कि वो कौन सा जानवर है। इस फोटो में टिप दे देता हूं, जानवर को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। अपने सिर को जल्दी जल्दी आगे पीछे करोगे तो शायद आपको वो छिपा हुआ जानवर आसानी से दिख जाए। बिल्ली को आगे पीछे करना 2-3 बार, मुझे नहीं दिख रहा। और हाँ, वैसे मैं बता तो सकता हूँ कि तस्वीर में कौन सा जानवर छिपा है, पर मैं नहीं बताऊंगा। बिल्ली मुझे दिखी नहीं रही है, लेकिन कुछ भी कौन सा जानवर दिखा इस तस्वीर में यहाँ मुझे भाई चेक कर, कौन सा जानवर था भाई? बिल्ली दिखी भाई, बिल्ली दो कान है, मुझे आंख से तो बिल्ली लग रही मेरे को। देखो क्या आपको यहाँ एक काला डॉट दिखा? ठीक उसी तरह यहाँ देखने पर ब्लैक डॉट दिखा क्या? और यहाँ देखने पर दिखा ही होगा। हाँ। इस तस्वीर में ऐसे ऐसे 12 काले डॉट्स हैं। लेकिन बात तो ये है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, आपको एक बार में एक से ज्यादा ब्लैक डॉट दिखेगा ही नहीं। एक बार में सिर्फ एक ही डॉट दिखेगा। मैंने खुद शुरू में सही बात है दिखाएं, पर अब देखोगे तो वो दिखेंगे जरूर, पर एक बार में सिर्फ एक ही। इस इल्यूजन में पॉइंट गायब हो जा रहे हैं सारे पॉइंट्स। नोट कर गया भाई। भाई ये क्या सा, कितने खतरनाक इल्यूजन है यार। अपने फ्लावर पॉट या कैंडल होल्डर तो देखा ही होगा, जिस पर हम मोमबत्ती रखते हैं। yes. तो आपको ये बताना है कि आपको इस तस्वीर में पहले कैंडल होल्डर दिखा, यानी जिसमें मोमबत्ती रखी जाती है, या फिर आपको दिखा दो इंसानी चेहरा। गौर से देखना, हो सकता मुझे है दो मुझे दो इंसानी चेहरा दिखे। देखो भी कोई भी नहीं कहेगा कि मेरा दिमाग खराब है, मेरी गलत सोच है। मुझे दो इंसान किस करते हुए दिख रही है तो दिख रही है, लेकिन पहले क्या दिखा? ये कैंडल नहीं दिखी मुझे, क्योंकि ज्यादातर लोग जब इस तस्वीर को देखते हैं तो पहली नजर में उन्हें कैंडल होल्डर ही दिखता है, दो इंसानी चेहरे बाद में दिखते हैं। मुझे दो इंसानी चेहरे दिख रहे हैं। कॉमेंट, पिछले साल ये जूता पूरे इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ था। असल में लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि इस जूते का असली रंग कौन सा है। सच में हो सकता है कि आप इस जूते का रंग सही नहीं बता पाएंगे। पिंक कलर है ना ये? जूते का रंग क्या है, गुलाबी और उजला या हल्का हरा और ग्रे? आपका जवाब जो भी हो, पर इस जूते का असली रंग गुलाबी और उजला है। गुलाबी और उजला, जब ये जूता प्रॉपर रोशनी में आता है तब इसका असली रंग आसानी से दिखता है। फिर भी काफी लोग इस जूते का रंग गुलाबी और उजला नहीं बल्कि हल्का हरा और ग्रे समझ लेते हैं, जो कि गलत है। क्या नहीं पिंक, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है भाई, क्या पागल लोग हैं? दोस्त को ये वीडियो भेज कर उससे भी ये पूछ सकते हो कि आखिर उसे कौन सा रंग दिखा। मेरे तो साथ में ही दोस्त बैठे हैं। पता चलेगा कि आपका दिमाग कितनी आसानी से भ्रमित हो जाता है। आपके स्क्रीन पर ये जितने भी बॉल्स हैं ये सभी एक ही रंग के हैं, राइट? जितने भी बॉल्स हैं सभी एक ही रंग के हैं, है ना? अब जैसे ही मैं कुछ रंग बिरंगी सीधी लाइंस को इनके ऊपर लाऊंगा तब देखना।
ओ कलर चेंज हो रहा है, आपको एक ही रंग के दिख रहे हैं? शायद नहीं। वैसे नहीं, ये सभी बॉल्स एक ही रंग की ही हैं, पर इन रंग बिरंगी लाइनों की वजह से हमारा दिमाग पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और असली रंग नहीं दिखाता। मैंने भाई आपको बता भी दिया कि असली रंग ये नहीं बल्कि ये है, तब भी शायद आपको ये हरा, ये ब्लू और ये लाल ही दिख रहा होगा। यस, वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि भाई आगे आप लोग वीडियो देखेंगे। ऑरेंज मेरे को भी दिख रहा था, लाल ऑरेंज, लाइक करना भूल जाओगे, इसलिए इस वीडियो को मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। और सब्सक्राइब नहीं समझ नहीं आ रहा, तो सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। ये क्या क्या चल रहा है और ये किस रंग का है? ये उजला है और ये है काला, राइट? असल में ये दोनों एक ही रंग के हैं। इस इल्यूजन में आपका दिमाग कंफ्यूज हुआ या आपका एक पॉइंट बढ़ा? वैसे लगभग सभी लोगों को ये उजला और ये काला ही लगता है क्योंकि इंसानी दिमाग लाइट की डेप्थ परसेप्शन को सही से रीड नहीं कर पाता। व्हाट भाई, वो काला है, होता है भ्रम। पाजी मेरा दिमाग खराब हो गया, दोबारा पीछे ये काला करो, पीछे करो, ये काला कैसे है? ये काला यहाँ पे भाई व्हाइट है, एक ही रंग के हैं। इस इल्यूजन में आपका दिमाग कंफ्यूज हुआ या आपका एक पॉइंट बढ़ा? वैसे लगभग सभी लोगों को ये उजला और ये काला ही लगता है क्योंकि इंसानी दिमाग लाइट की डेप्थ परसेप्शन को सही से रीड नहीं कर पाता और उसी से पैदा होता है भ्रम यानी इल्यूजन। खैर मुझे उससे क्या, मुझे तो बस आपके पॉइंट को कम करवाना है। आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहे इन सभी सर्कल के बीच में बारी बारी से गौर से घूम रहे हैं सर्कल से बिना पल के झपकाए देखना। ओके आ रहे, ओके घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं ना, तो क्या दिखा? आई मीन ये सर्कल घूमती हुई दिखाई दी क्या? दिखी ही होंगी। और क्या हुआ, बीच वाला नहीं घूम रहा है? असल में ये स्टिल इमेज है, यानी कि ये कोई वीडियो नहीं बल्कि सिंपल सी इमेज है और ऑब्वियसली ये सर्कल भी घूम नहीं रही बल्कि स्थिर है। इसमें जरूर फंसे होंगे, बहुत बुरे तरीके से। असल में इस ऑप्टिकल इल्यूजन को साल 2003 में जापान की साइकोलॉजिस्ट अकियोशी किटाओका ने बनाया था और हमें बस ऐसा लगता है कि ये सर्कल्स घूम रही हैं चाहे आप कितना भी ट्राई कर लो, पर ऐसा है नहीं। इस तस्वीर में आप, ओह माय गॉड भाई पाजी, मेरा दिमाग खराब हो गया है इस वीडियो को देखने के बाद। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अच्छा था भाई, ये वाला अच्छा था भाई, भाई वो सच्ची में लग रहा था घूम रहे हैं। आपको ये बताना है कि ये बच्ची पानी के अंदर है या पानी के बाहर, ये काफी इंटरेस्टिंग है। और ये पानी के ऊपर है इसलिए थोड़ा सा टाइम ले लो। नहीं, ये पानी के अंदर है। गौर से इस इमेज की हर डिटेल को देखो और तब जवाब रेडी रखना कि बच्ची पानी के अंदर है या पानी के बाहर। पानी के अंदर है, ये बदलना मत मेरे बताने के बाद। पानी के ऊपर है, पानी के ऊपर है, पानी के ऊपर है, पानी के अंदर है, अंदर है, तभी तो ये गुब्बारे निकल रहे हैं। ये छींट है भाई, इसमें मतलब छींट निकले हैं वो। नहीं तो अगर आपने इमेज को सही से देखा होगा तो आपको ये पता चल गया होगा कि असल में ये बच्ची पानी में नहीं है। कैसे? वेल, बच्ची के पैर को देखो, उसने पानी पर पैर रखा हुआ है जिससे पानी में ऐसी डिस्टरबेंस आई। और आप इस बच्ची के बाल को भी देख सकते हो, पानी के अंदर बाल ऐसे लूज नहीं रहते बल्कि वो तैरते रहते हैं। ये इल्यूजन थोड़ा डिफिकल्ट जरूर था पर उतना भी नहीं। आई थिंक आप में से काफी लोगों का फिर है कहाँ पे, ये ऊपर है भाई, ये पानी के बाहर से बिरंगी लाइंस दिख रही हैं। आपको उन्हें नहीं देखना बल्कि आपको पूरे ध्यान से अगेन बिना पल के झपकाए इस ब्लैक डॉट को देखना है। ध्यान रखना, ध्यान इस ब्लैक डॉट से हटनी नहीं चाहिए और पलके भी मत झपकाना। जब आप इस ब्लैक डॉट को देख रहे होगे तब मैं बीच में एक बार इन रंग बिरंगी लाइंस को हटाऊंगा और कोई और इमेज लगाऊंगा और तब होगा असली जादू। शुरू हो जाओ। ओके लेट्स सी क्या होता है। काले को देखते रहना है। ओ गायब हो गया नीचे के कलर्स। अभी सिर्फ मेरे को दो कलर्स दिख रहे हैं, अभी मेरे को सिर्फ एक कलर दिख रहा है। मुझे कलर सिर्फ येलो और ब्लैक दिख रहा है। मुझे अब दिखा, अब दिखा, अब दिखा। अभी वापस आ गए, अभी आ गए सारे कलर्स वापस ना, धीरे धीरे। मेरे को नहीं हो रहा भाई, दिमाग खराब तो नहीं होते? मुझे एक दो तीन चार पांच कलर दिख रहे थे। सब गया। तो बीच में मैंने इन रंग बिरंगी लाइंस को हटा कर एक लेकिन व्हाइट दिख रहा था मेरे को, लेकिन तभी आपको उस मुझे व्हाइट दिख रहा है अभी भी, लाइंस दिखी होंगी जबकि वो वहाँ थी। दिखा दिखा तो था इल्यूजन। ओ देखने में ये कोई आम उजले रंग का मास्क लग रहा है, और ये है उस मास्क का ऊपरी भाग, है ना? जरा एक मिनट रुकना। यस ये ऊपरी भाग ही है। नहीं यस ये ऊपर नहीं, ये ऊपरी भाग नहीं। व्हाट? नहीं मेरे को समझ में आ गया था भाई। अरे ये दोनों तरफ एक जैसा ही है। आप मास्क के अंदरूनी भाग को उसका ऊपरी भाग समझ रहे थे, एक बार फिर से देख लो।
ये है मास्क और ये है उसका ऊपरी भाग। अब शायद ना लगे क्योंकि मैंने सच बता दिया, पर असल में ऊपरी भाग उसके पीछे था। आप इसे अपने दोस्तों से शेयर करके उन्हें पागल बना सकते हैं। ये इल्यूजन काफी तगड़ा nice. है। अगेन आपको बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट करते हुए इस ब्लैक डॉट पर नजरें बनाए रखना है, बाकी इन सब चीजों को इग्नोर okay. करो। थोड़ी देर बाद मैं इमेज बदलूंगा और फिर होगा जादू। आप सोच रहे होंगे कि इस बार तो नहीं फंसूंगा, लेकिन फंसोगे। शुरू हो जाओ। इस बार नहीं फंसूंगा मैं। नोप नोप रचित नहीं फंसूंगा। सिर्फ काले को देख भाई, काले को देखते रहो। काले को नीचे के कलर थोड़े से ब्राइट हो रहे हैं क्या? ऐसा लग रहा है ना। ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है मेरे को काला, काले के नीचे का। ओ भाई चेंज हुआ, मेरे को काला अभी भी दिख रहा है, लेकिन फोटो चेंज हो गया, काला तो मेरे को अभी आसमान अभी भी काला दिख रहा है, पानी भी। दोस्त बात तो ये है कि yes. ये टापू का ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, इसमें कोई रंग था ही नहीं। oh. पर आपके दिमाग ने शुरू में दिखाए गए इस अजीब से नेगेटिव इमेज की वजह से इस ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में खुद से रंग भर दिया। विश्वास नहीं होता तो वीडियो oh. थोड़ी पीछे करके देख लो और इस कोर्स नोट करते रहे। सही बोला। इस इल्यूजन को भी जापानी साइकोलॉजिस्ट अकियोशी किटाओका ने तैयार किया था। आपको ये बताना है कि प्लेट पर रखी इन स्ट्रॉबेरीज का रंग, इनका कलर क्या है? वेल ऑफ कोर्स लाल, राइट? ये रेड है। पता ही है कि स्ट्रॉबेरीज लाल रंग की में कोई कलर नहीं है शायद। ये है कि स्ट्रॉबेरीज भले ही लाल रंग की होती हैं, पर इस इमेज में से लाल रंग पूरी तरीके से हटा दिया गया है। यानी ये आपका दिमाग है जो आपको इस इमेज में रखी इन स्ट्रॉबेरीज का रंग लाल दिखा रहा है, क्योंकि आपके दिमाग को पता है कि स्ट्रॉबेरीज लाल रंग की होती हैं, पर असल में इस इमेज में ये स्ट्रॉबेरीज लाल रंग की नहीं बल्कि ग्रे कलर की हैं। ग्रे कलर की, इसमें काफी लोग फंसे होंगे। तो अब बारी आती है उस ऑप्टिकल इल्यूजन की जिसकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी। एक ऐसा इल्यूजन जिसको देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास रखी चीजें गोल गोल घूम रही हैं। सच में आपको बस बीच में यहाँ पर पूरा ध्यान रखना है, आंखें खुली रखनी है okay. और बस इसी ब्लैक डॉट को लगातार देखना है। और जैसे ही मैं ओवर बोलूंगा okay. आपको अपने आसपास रखी किसी भी चीज को देखना है। शुरू हो जाओ। हो जाओ सुरूपा जी। इस बार नहीं, इस बार रचित भाई नहीं चूकेंगे, इस बार नहीं चूकेंगे। देखते रहो भाई, डकार उल्टी आ रही भाई पाजी को। तो okay. चलो जल्दी से अपने आसपास रखी किसी भी चीज को। क्या वो चीज घूमती हुई दिखी? ऐसा लग रहा है वो गोल भाई है। आपका स्कोर कितने पॉइंट्स हुए आपके? कमेंट करके सच्ची वाला भाई, मेरे को ऐसा लग रहा मेरा हाथ ऐसा घूम रहा है। इसे अपने दोस्तों के साथ। माय गॉड यार, दिस इज गुड। ये अच्छा वीडियो था। पाजी आप कितने इल्यूजन्स में फंसे? मैं दो इल्यूजन बच गए, बाकी सब में फंसा मैं। आपका नाम, आपको अपना नाम याद है? मेरे को मेरा नाम नहीं याद है, मेरे पता था आपका नाम रचित है, मेरा नाम मितपेट है। ओके, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये सारे इल्यूजन्स गाइस बहुत अच्छे थे। आप हम लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कौन से इल्यूजन्स में फंसे एंड कौन सा इल्यूजन्स में नहीं। आज के इतना ही, मेरा नाम है रचित एंड मेरे साथ थे हितेश पाजी। हम मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हितेश पाजी बाय बाय। भाई ये कैसा भाई था? मेरा भाई था।